subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह को एनसीबी ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में भारती और उनके पति हर्ष ने गांजा लेने की बात कबूल की है। भारती के पति से पूछताछ चल रही है। भारती के प्रोडक्शन ऑफिस और घर से 86 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के चेन्नई दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने चेन्नई में कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शाह ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि तमिलनाडु इस साल गुड गवर्नेंस में पहले नंबर पर रहा है। इस बीच तमिलनाडु के सीएम ई पलानीस्वामी ने कहा कि अगले साल चुनाव में भी AIADMK का भाजपा से गठबंधन जारी रहेगा। नगरोटा एनकाउंटर के 2 दिन बाद शनिवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अफसर को तलब किया और उन्हें 2 शब्दों में कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के समर्थन की नीति बंद करे। आतंकी गुट पाकिस्तान को पनाहगाह बनाए हुए हैं, वहीं से वे दूसरे देशों को ऑपरेट करते हैं। पाक सरकार अपनी जमीन पर आतंकी गुटों का सफाया करे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ बैठक के दौरान किसान संगठन पैसेंजर ट्रेन चलाने को राजी हो गए हैं। किसान संगठनों ने पैसेंजर ट्रेन चलाने का रास्ता साफ कर दिया है। पैसेंजर ट्रेनों के लिए सोमवार से सभी रेलवे ट्रैक खाली कर दिए जाएंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के लिए कुछ नई नियुक्तियां की हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी माला अडिगा को प्रेसिडेंट इलेक्ट की पत्नी जिल बाइडेन का पॉलिसी डायरेक्टर बनाया गया है। खास बात यह है कि माला बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल में बतौर एडवाइजर काम कर चुकी हैं। वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज।